हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट सेकेंड। IBPS एंड TCS पैटर्न के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आपको मेरी PDF बुक्स परचेस करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not a CNS depressant but increases the tendency to fall asleep at night? Pyridoxine, diphenhydramine, melatonin, ethanol. Not a CNS depressant but increases the tendency to fall asleep at night. तो ये होता है melatonin, option C will be your correct answer. Melatonin is not a CNS depressant but it increases the tendency to fall asleep at night. ये मेलाटोनिन होता है नेचुरल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन। ये रेगुलेट करता है बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक, ये रेगुलेट करता है डे एंड नाइट साइकल्स। इसे प्रोड्यूस करती है पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन। ये पीनियल ग्लैंड होती है पी साइज ग्लैंड सिचुएटेड डीप इन द सेंटर ऑफ ब्रेन। देन पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे बोलते हैं थर्ड आई। एंड मेलाटोनिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया। पाइरिडॉक्सिन विटामिन B6 इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है फिट्स एंड कन्वल्शंस इन चिल्ड्रेन। देन इसे देते हैं आइसोनियाजाइड के साथ, जो होता है फर्स्ट लाइन एंटीटीबी ड्रग टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, डाइफिनहाइड्रामाइन एंटीहिस्टामाइन होता है, सेडेटिव होता है, इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी इंसोमनिया। ठीक है, एंड ये होता है अमाइनो अल्काइल ईथर। एंटीहिस्टामिनिक्स के अमाइनो अल्काइल ईथर क्लास में आता है डाइफिनहाइड्रामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी इपिलेप्टिक्स यूज एज एनाल्जेसिक्स आर कार्बामाजेपाइन एंड वैलप्रोएट, फिनिटोइन एंड वैलप्रोएट, कार्बामाजेपाइन एंड फिनिटोइन, डाइजेपैम एंड क्लोरप्रोमाजिन। एंटी इपिलेप्टिक्स यूज एज एनाल्जेसिक्स, कौन से एंटी इपिलेप्टिक्स का यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक्स? तो ये होते हैं कार्बामाजेपाइन एंड फिनिटोइन, ऑप्शन सी। ये कार्बामाजेपाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। कार्बामाजेपाइन इंड्यूस कराता है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। देन इट इज ऑल्सो यूज इन बायपोलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, फिनिटोइन ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड मल एपिलेप्सी। केमिकली फिनिटोइन होता है 5-5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। ये एंजाइम इंड्यूसर होता है एंड इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिनिटोइन के साइड इफेक्ट्स जिंजिवल हाइपरप्लासिया। एंड इसे यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। देन ये फिनिटोइन कॉज कराता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन बाय इंटरफेयरिंग विथ विटामिन डी एक्शन। कैसे होता है ये? तो बिकॉज फिनिटोइन रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट टिश्यूज टू विटामिन डी, इसलिए ये कॉज कराता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन। देन ये हाइपरग्लाइसेमिया भी कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। ठीक है, वैलप्रोएट क्या है? तो ड्रग ऑफ चॉइस इन फेब्राइन कन्वल्शंस इन चिल्ड्रन। एब्सेंस सीजर्स में यूज करते हैं वैलप्रोएट का, वैलप्रोइक एसिड का। देन इसको किस में यूज नहीं करते? तो इट इज नॉट यूज इन पेटिटमल एपिलेप्सी। वैलप्रोएट इज नॉट यूज इन पेटिटमल एपिलेप्सी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए। तो ये इनिबिट करता है गाबा ट्रांसमाइनेज को। इनिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसमाइनेज होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैलप्रोएट। देन कौन से टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज कराता है ये? तो ये कॉज कराता है स्पाइना बायफिडा इन प्रेगनेंसी एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, वैलप्रोएट कॉजेस स्पाइना बायफिडा इन प्रेगनेंसी एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये होते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स। क्लोरप्रोमाजिन क्या है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक होता है, फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड। क्लोरप्रोमाजिन चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। देन क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन कौन सा ड्रग इंड्यूस कराता है पार्किंसन सिंड्रोम? क्लोरप्रोमाजिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट विच इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। कौन सा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन? तो ये होता है इमिप्रामाइन। डाइजेपैम बेंजोडाइजेपाइन होता है, स्लो एक्टिंग पैरेंटरल जनरल एनास्थेटिक होता है डाइजेपैम। ठीक है, देन ये होता है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर टॉनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स। इसका डेली डोज 5-30 mg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, डेसफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन। सेकंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ, तो नाइट्रस ऑक्साइड सेकंड गैस इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विथ हैलोथेन।
ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक, इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये नॉन इरिटेंट होता है, नॉन इनफ्लेमेबल होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। देन विच जनरल एनास्थेटिक कॉजेस हाइपोक्सिया, तो ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। विच जनरल एनास्थेटिक हैज गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, किसकी होती है गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, तो ये भी होती है नाइट्रस ऑक्साइड की। देन किसका यूज करते हैं इन डेंटल एनाल्जेसिया, तो ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड विद ऑक्सीजन फॉर डेंटल एनाल्जेसिया। इथर क्या है, तो ये भी होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। जनरल एनास्थेटिक के वोलाटाइल लिक्विड क्लास में आता है इथर। देन अभी आप मुझे बताएंगे एनास्थेटिक कैन बी यूज बाय द ओपन ड्रॉप मेथड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनास्थेटिक कैन बी यूज बाय द ओपन ड्रॉप मेथड, तो ये भी होता है इथर। देन एनास्थेटिक विच इज एक्सप्लोजिव इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, तो ये भी होता है इथर। डेस्फ्लुरेन ये भी होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। विच जनरल एनास्थेटिक इज सुटेबल फॉर आउट पेशेंट सर्जरी, डेस्फ्लुरेन। किस लिए इसे यूज करते हैं इन आउट पेशेंट सर्जरी, तो इसकी होती है क्विक रिकवरी। बिकॉज ऑफ इट्स क्विक रिकवरी इट इज सुटेबल फॉर आउट पेशेंट सर्जरी, डेस्फ्लुरेन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रेन, इनमें से कौन सा है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रेन, तो ये होता है सेवोफ्लुरेन। ये होता है क्लोरीफ्लुरिनेटेड एनास्थेटिक। इनहेलेशनल एनास्थेटिक फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनास्थेशिया होता है सेवोफ्लुरेन, एंड ये कॉज कराता है न्यूरोटॉक्सिसिटी एट हाई डोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोबाजैम इज ए बेंजोडाइजेपाइन यूज्ड एज हिप्नोटिक, मसल रिलैक्सेंट, एंग्जियोलाइटिक, एंटी इपिलेप्टिक, तो ये होता है एंटी इपिलेप्टिक, ऑप्शन डी। क्लोबाजैम होता है बेंजोडाइजेपाइन, इसका यूज करते हैं इन इपिलेप्सी एंड सीवियर एंग्जाइटी। क्लोबाजैम, क्लोनाजेपैम, लोराजेपैम, डाइजेपैम, देन फिनिटोइन, कार्बामाजेपाइन, देन वैलप्रोइक एसिड, गाबापेंटिन, जोनिसामाइड, देन लेविटिरासेटम, विगाबैट्रिन, ये सभी होते हैं एंटी इपिलेप्टिक्स ड्रग। इनमें से ड्रग ऑफ चॉइस इन पेटिटमल इपिलेप्सी होता है इथोसक्सिमाइड, एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंडमल इपिलेप्सी फिनिटोइन, वैलप्रोइक एसिड, फिनोबार्बिटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ, नैलोक्सोन, अल्प्राजोलम, नाल्ट्रिक्सोन, मिडाजोलम। ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं मिडाजोलम का, ऑप्शन डी। मिडाजोलम इज ऑल्सो यूज एज ए प्री एनास्थेटिक एजेंट। मिडाजोलम होता है स्लो एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक। ठीक है, नैलोक्सोन क्या है, तो ये होता है प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट। एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग, नैलोक्सोन। देन नैलोक्सोन डिक्रीज कराता है क्रेविंग फॉर अल्कोहल। इन फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन नैलोक्सोन एंटागोनाइजेस मॉर्फिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एक्शन ऑफ मॉर्फिन इज इनकम्प्लीटली रिवर्स्ड बाय नैलोक्सोन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विच एक्शन ऑफ मॉर्फिन इज इनकम्प्लीटली रिवर्स्ड बाय नैलोक्सोन, तो ये होता है सेडेशन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्जियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन दैट हैज एडिशनल माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा एंग्जियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन है जिसकी होती है एडिशनल माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी, तो ये होता है अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम होता है एंग्जियोलाइटिक एंड सेडेटिव, एंड इसकी होती है माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये नाल्ट्रिक्सोन भी होता है प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज ए रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूज ऑफ द फॉलोइंग एनास्थेटिक, केटामाइन, थियोपेंटोन सोडियम, हैलोथेन, इथर। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कौन कॉज कराता है, तो ये कॉज कराता है हैलोथेन, ऑप्शन सी। हैलोथेन किस में आता है, तो जनरल एनास्थेटिक के वोलाटाइल लिक्विड क्लास में आता है। ब्रोमाइड आइटम कंटेनिंग जनरल एनास्थेटिक हैलोथेन। देन इनमें से किसकी होती है सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी, हैलोथेन। स्मूथ इंडक्शन किसका होता है, हैलोथेन। देन जनरल एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन अस्थमा पेशेंट, हैलोथेन। किस लिए प्रेफर्ड करते हैं हैलोथेन को इन अस्थमा पेशेंट्स, बिकॉज इट कॉजेस ब्रोंको डायलेशन।
देन कौन से जनरल एनास्थेटिक का यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, तो ये भी होता है हेलोथेन। हेलोथेन इनहिबिट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, सो इट इज यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। देन अभी आप मुझे बताएंगे डिसएडवांटेज ऑफ हेलोथेन, क्या होता है हेलोथेन का डिसएडवांटेज? तो ये डिप्रेस करता है रेस्पिरेशन, इट डिप्रेसेस रेस्पिरेशन, कौन? हेलोथेन। देन कौन सा एनास्थेटिक कॉज कराता है डिसोसिएटिव एनास्थेशिया, तो ये होता है केटामाइन। केटामाइन भी होता है पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक, स्लो एक्टिंग आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है केटामाइन। हेलुसिनेशंस कौन कॉज कराता है? केटामाइन। देन विच एनास्थेटिक यूज्ड इन बर्न ड्रेसिंग, तो ये भी होता है केटामाइन। देन अस्थमा पेशेंट्स के शॉर्ट ऑपरेशंस में कौन से एनास्थेटिक का यूज करते हैं? केटामाइन। देन विच जनरल एनास्थेटिक सिलेक्टिवली इनहिबिट्स एक्साइटेटरी एनएमडीए रिसेप्टर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच जनरल एनास्थेटिक सिलेक्टिवली इनहिबिट्स एक्साइटेटरी एनएमडीए रिसेप्टर्स, तो ये भी होता है केटामाइन। विच एनास्थेटिक इंक्रीजेस आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, केटामाइन। विच जनरल एनास्थेटिक यूज्ड इन हाइपर एक्टिव एयरवेज, तो ये भी होता है केटामाइन। देन केटामाइन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन एपिलेप्सी, ग्लूकोमा एंड सिजोप्रेनिया, ठीक है। देन इनमें से कौन सा होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनास्थेटिक, तो ये होता है थियोपेंटोन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग बारबिट्यूरेट, तो ये भी होता है थियोपेंटोन। थियोपेंटोन आता है फास्ट एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स में, ये होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, एस्पिरिन, इमिप्रामाइन, कार्बामाजेपाइन, वैलप्रोइक एसिड, इनमें से कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, तो अभी हमने डिस्कस किया था ये होता है कार्बामाजेपाइन, ऑप्शन सी। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, देन इसे यूज करते हैं बायपोलर डिसऑर्डर्स में, ये इंड्यूस कराता है हेपेटिक मेटाबोलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, ठीक है। देन एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन, ये रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लर्ड विजन, एनसेड्स के सैलिसिलेट क्लास में आता है एस्पिरिन। स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन ड्रग विच इनहिबिट साइक्लो ऑक्सीजनेस इरिवर्सिबली, तो ये भी होता है एस्पिरिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन से विटामिन के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करता है एस्पिरिन, तो एस्पिरिन डिक्रीजेस इफेक्ट ऑफ विटामिन सी विच इज एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे डिक्रीज कराता है? तो बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन, बाय इंक्रीजिंग द विटामिन सी एक्सक्रीशन एस्पिरिन डिक्रीजेस इफेक्टिवनेस ऑफ विटामिन सी विच इज एस्कॉर्बिक एसिड। देन पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू एस्पिरिन ओवरडोज, तो ये होता है सैलिसिलिज्म। देन मेजर पाथवे ऑफ एस्पिरिन मेटाबोलिज्म इज बाय फॉर्मिंग सैलिसाइलुरिक एसिड, ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन विच ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन, तो ये होता है इमिप्रामाइन। ये होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो होता है एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन, तो ये होता है डेसिप्रामाइन। देन विच ड्रग एग्जिबिट्स थेरेप्यूटिक विंडो फेनोमेनन, तो ये भी होता है इमिप्रामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एंजाइम इंड्यूसर, फिनोबार्बिटोन, सोडियम वैलप्रोएट, फिनिटोइन सोडियम, कार्बामाजेपाइन, नॉट एन एंजाइम इंड्यूसर, कौन सा एंजाइम इंड्यूसर नहीं है? तो फिनोबार्बिटोन होता है, फिनिटोइन भी होता है, कार्बामाजेपाइन भी होता है, सोडियम वैलप्रोएट इज नॉट एन एंजाइम इंड्यूसर, ऑप्शन बी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए सोडियम वैलप्रोएट का, तो ये इनहिबिट करता है गाबा ट्रांसमाइनेज को, इनहिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसमाइनेज होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम वैलप्रोएट। कौन से टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स कॉज कराता है ये, तो ये स्पाइना बाइफिडा एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज कराता है। फिनोबार्बिटोन लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट होता है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक होता है, कौन से शेड्यूल में आता है, तो शेड्यूल एक्स में आता है फिनोबार्बिटोन, देन इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी विथ फिनिटोइन। फिनोबार्बिटोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये एनहेंस कराता है एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर, एनहेंसिंग द एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनोबार्बिटोन। देन एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी, तो ये भी होता है फिनोबार्बिटोन। ये होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी।
एंड फिनोबार्बिटोन इज यूज इन ग्रैंड मल एंड साइकोमोटर एपिलेप्सी। ठीक है, फिनिटोइन 5-5-डाइफिनाइल एडेंटोइन होता है, ड्रग ऑफ चॉइस ग्रैंड मल एपिलेप्सी में होता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है, जिंजिवर हाइपरप्लासिया कॉज कराता है, देन चिल्ड्रन में रिकेट्स कॉज कराता है। इसे यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, कार्बामाजेपाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम इज रिड्यूस्ड बाय फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, इंडोमिथासिन, ऑल ऑफ द अबव। रेनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम इज रिड्यूस्ड बाय, कौन रिड्यूस कराता है रेनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम? तो लिथियम के रेनल एक्सक्रीशन को रिड्यूस कराते हैं एनसेड्स, देन डायूरेटिक्स, एसी इनिबिटर्स, इंडोमिथासिन एनसेड में आता है, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, डायूरेटिक्स। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिथियम के रेनल एक्सक्रीशन को रिड्यूस कराते हैं एसी इनिबिटर्स, डायूरेटिक्स एंड एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच साइकोट्रॉपिक ड्रग हैविंग ए नैरो सेफ्टी मार्जिन, तो ये होता है लिथियम। देन प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी क्या कॉज कराती है? तो प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी कॉज कराती है गॉयटर, इट कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म। कैसे करता है हाइपोथायरॉयडिज्म? तो बाय इनिबिटिंग थायरॉयड हार्मोन रिलीज। ये थायरॉयड हार्मोन रिलीज को इनिबिट कराता है कौन? तो लिथियम, एंड कॉज कराता है गॉयटर हाइपोथायरॉयडिज्म। देन ड्रग एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, लिथियम, फ्यूरोसेमाइड, लूप डायूरेटिक में आता है। साइट ऑफ एक्शन क्या होती है लूप डायूरेटिक्स की? तो एसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं लूप डायूरेटिक्स। फ्यूरोसेमाइड के एडवर्स इफेक्ट, ओटोटॉक्सिसिटी, डिफनेस। ठीक है, देन विच डायूरेटिक्स कंटेन सल्फा मॉइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। हाइड्रोक्लोरोथायजाइड कंटेन सल्फा मॉइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं इन पेशेंट्स हु आर हैविंग सल्फा ड्रग एलर्जी। ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड आता है थायजाइड डायूरेटिक्स में। देन विच ड्रग इज यूज फॉर ओरल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ पिट्यूटरी एज वेल एज रेनल डायबिटिस मेलिटस? तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। इसे यूज करते हैं इन पिट्यूटरी एज वेल एज रेनल डायबिटिस मेलिटस में। देन विच डायूरेटिक इज मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स? तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। ये रिड्यूस कराता है कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, इसलिए इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स। देन कॉमनली यूज डायूरेटिक इन कॉम्बिनेशन विद एंटी हाइपरटेंसिव्स? तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। देन विच एनाल्जेसिक फ्रीक्वेंटली कॉजेस फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट? तो ये होता है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन आता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के इंडोल डेरिवेटिव क्लास में। ये कॉज कराता है फ्रंटल हेडेक, देन डिजीनेस, डिप्रेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस। ठीक है, देन ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट? तो ये भी होता है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनास्थेटिक एक्शन ऑफ थियोपेंटोन सोडियम इज कैरेक्टराइज बाय गुड मसल रिलैक्सेशन, पुअर एनाल्जेसिया, सेंसिटाइजेशन ऑफ हार्ट टू एड्रिनालिन, नो पोस्ट ऑपरेटिव रेसिड्यूअल सीएनएस डिप्रेशन। एनास्थेटिक एक्शन ऑफ थियोपेंटोन सोडियम इज कैरेक्टराइज बाय, तो ये थियोपेंटोन सोडियम आता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचूरेट में। फास्ट एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक होता है थियोपेंटोन। देन सल्फर आइटम कंटेनिंग बारबिचूरेट, थियोपेंटोन। एंड दी एनास्थेटिक एक्शन ऑफ थियोपेंटोन सोडियम इज कैरेक्टराइज बाय पुअर एनाल्जेसिया, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ओपॉइड एनाल्जेसिक विच इज सुटेबल फॉर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स, मॉर्फिन, मेपेरिडिन, फेंटेनिन, पेंटाजोसिन। तो हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स के लिए सुटेबल होता है फेंटेनिल, ऑप्शन सी। फेंटेनिल प्रोड्यूसेस मिनिमल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स, इसलिए ये सुटेबल होता है फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। ये होता है पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक, इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक होता है फेंटेनिल। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनास्थेशिया टू अफोर्ड एनाल्जेसिया, तो ये होता है इंट्रावेनस फेंटेनिल। इंट्रावेनस फेंटेनिल इज यूज इन बैलेंस्ड एनास्थेशिया टू अफोर्ड एनाल्जेसिया। देन विच इज 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, तो ये भी होता है फेंटेनिल। ये फेंटेनिल होता है 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। देन विच ड्रग इज यूज्ड फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट्स,
तो ये भी होता है फेंटानिल। फेंटानिल का यूज करते हैं फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट्स। देन नेचुरली ऑकरिंग ओपॉइड, तो नेचुरली ऑकरिंग ओपॉइड मॉर्फिन। एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी होता है मॉर्फिन। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलिक पेन मॉर्फिन। मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? बिकॉज इट एग्रेवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा। देन मॉर्फिन पॉइजनिंग में एंटीडोट नैलॉक्सोन। नैलॉक्सोन का यूज करते हैं इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। एंड मॉर्फिन डिपेंडेंस में किसका यूज करते हैं? तो मिथाडोन बुप्रेनॉर्फिन। मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स पिन पॉइंट प्यूपिल स्ट्रॉप सिंड्रोम। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेसिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेसिया, तो ये होता है मेपेरिडिन। ये मेपेरिडिन होता है पेथिडिन एंड इसका यूज करते हैं इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेसिया। देन विच ओपॉइड एनाल्जेसिक इज यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक लेबर। ऑब्स्टेट्रिक लेबर में कौन से ओपॉइड एनाल्जेसिक का यूज करते हैं? तो ये भी होता है मेपेरिडिन। देन मेपेरिडिन का लॉन्ग टर्म यूज अवॉइड किया जाता है। क्यों अवॉइड करते हैं? बिकॉज इट कॉजेस सीजर्स। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेपेरिडिन इज अवॉइडेड बिकॉज इट कॉजेस सीजर्स। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच इज एन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप ऑफ ओपॉइड एनाल्जेसिक? इनमें से कौन सा होता है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप ऑफ ओपॉइड एनाल्जेसिक? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है पेंटाजोसिन। पेंटाजोसिन होता है सिंथेटिक ओपॉइड विथ बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशनल एजेंट इज द बेस्ट यूटेरिन रिलैक्सेंट? हेलोथेन आइसोफ्लोरेन सेवोफ्लोरेन डेसफ्लोरेन। इनहेलेशनल एजेंट इज द बेस्ट यूटेरिन रिलैक्सेंट, तो यूटेरिन रिलैक्सेंट होता है हेलोथेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हेलोथेन आता है जनरल एनास्थेटिक के वोलेटाइल लिक्विड क्लास में। ये होता है यूटेरिन रिलैक्सेंट एंड इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। इसकी होती है सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेशन प्रॉपर्टी। स्मूथ इंडक्शन होता है हेलोथेन का। ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग जनरल एनास्थेटिक हेलोथेन। देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन? मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन, तो ये होता है आइसोफ्लोरेन। आइसोफ्लोरेन हैज ईथर लाइक ऑर्डर, सो आइसोफ्लोरेन इज मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन। देन इट इज ऑल्सो कॉज्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूजफुल इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग? ओंडेंसेट्रॉन डाइक्लोफेनेक सोडियम पेथिडिन पैरासिटामोल। किसका यूज करते हैं इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग के लिए यूज करते हैं पेथिडिन का। ऑप्शन सी पेथिडिन होता है मेपेरिडिन। ओंडेंसेट्रॉन क्या है? 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओंडेंसेट्रॉन इफेक्टिव होता है इन सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड एंड पोस्ट ऑपरेटिव टाइप ऑफ वोमिटिंग। ये होता है 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर। देन डाइक्लोफेनेक एनसेड्स के कौन से क्लास में आता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के कौन से क्लास में आता है डाइक्लोफेनेक? तो ये होता है अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। डाइक्लोफेनेक एसिक्लोफेनेक ये होते हैं अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। देन इनमें से कौन सा है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन? तो ये होता है पैरासिटामोल। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पैरासिटामोल होता है COX-3 इनिबिटर। एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पैरासिटामोल पैरा एसिटामाइनोफिनॉल। देन कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं इन पैरासिटामोल पॉइजनिंग? तो एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच जनरल एनास्थेटिक सिलेक्टिवली इनिबिट्स एक्साइटेटरी NMDA रिसेप्टर्स? थियोपेंटोन हेलोथेन डेसफ्लोरेन केटामाइन। जनरल एनास्थेटिक सिलेक्टिवली इनिबिट्स एक्साइटेटरी NMDA रिसेप्टर, तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। ये होता है केटामाइन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। केटामाइन सिलेक्टिवली इनिबिट्स एक्साइटेटरी NMDA रिसेप्टर्स। केटामाइन होता है इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक। ये डिसोसिएटिव एनास्थेसिया कॉज कराता है, हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। देन केटामाइन इज यूज्ड इन हाइपर एक्टिव एयरवेज। किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है?
एपिलेप्सी में, ग्लूकोमा में, सिजोफ्रेनिया में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।